नमस्कार, मैं रविश कुमार। कई बार सर्वोच्च अदालत के कुछ फैसलों को इसलिए नहीं पढ़ा जाना चाहिए कि वो आपके हिसाब से आया है, बल्कि इसलिए भी पढ़ा जाना चाहिए कि फैसले तक पहुंचने से पहले तर्कों की प्रक्रिया क्या है, उसकी भाषा क्या है, भाषा की भावना क्या है। हमारे न्यायाधीश महोदय अपने फैसलों में विद्वता के जो निशान छोड़ जाते हैं, उनमें कभी कोई कविता प्रवाहित होती दिख जाती है तो कई बार शानदार गद्य नजर आ जाता है। आईपीसी की धारा 377 को समाप्त करने का फैसला जिस संवैधानिक पीठ ने दिया है, उसमें शामिल चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर, जस्टिस रोहिंगटन एफ नरीमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा इतिहास में याद किए जाएंगे। अफसोस सिर्फ इतना है कि 6 सितंबर 2018 से शुरू हो रही इतिहास की इस यात्रा में भारत सरकार शामिल नहीं है, जिसे अदालती अंग्रेजी में यूनियन ऑफ इंडिया लिखा गया है, उसका कोई पक्ष नहीं है। संविधान की आत्मा, चेतना, धड़कनों का विस्तार करते हुए समाज को समावेशी बनाने की व्याख्या करने वाले इस फैसले में संविधान को लागू करने की सबसे बड़ी इकाई, जिसे हम भारत सरकार कहते हैं, शामिल नहीं है। जिस फैसले में व्यक्ति की शख्सियत, इंडिविजुअलिटी, उसकी पसंद, उसके संबंध, यौन संबंध, प्रेम संबंध, उसकी सोच, उसके एहसास, उसकी निजता, उसके हम सफर होने की शानदार व्याख्या हुई है, उस व्याख्या में भारत सरकार का कोई पक्ष नहीं है। इतिहास के शानदार मोड़ पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ का फैसला खड़ा है। नागरिकों का वह समूह खड़ा है जो तमाम सामाजिक मान्यताओं को ठुकराते हुए उस समूह को अपना समर्थन देता है जिसके लिए आज का फैसला आया है, जिन्हें इस फैसले में सेक्सुअल माइनॉरिटी कहा गया है, जिसके लिए आजकल LGBTIQ कहा जाता है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांससेक्सुअल, इंटरसेक्स एंड क्वर। जिस फैसले में समाज की धार्मिक मान्यताओं, मूर्खताओं, जड़ताओं, पूर्वाग्रह, संकीर्णताओं की धज्जियां उड़ाई गई हों, उस फैसले में भारत सरकार का कोई पक्ष नहीं है। जो सदियों से चली आ रही भ्रांतियां अदालत की व्याख्याओं के सामने टिक नहीं सकी, उन भ्रांतियों के खिलाफ भारत सरकार अपना पक्ष रखती तो आज का दिन और बड़ा हो जाता। आज के फैसले में यूनियन ऑफ इंडिया का कोई पक्ष ना होना बता रहा है कि सामाजिक कुरीतियों, भ्रांतियों, जड़ताओं के साथ कौन कहां खड़ा है। माननीय न्यायाधीशों ने लिखा है कि संविधान पीठ के सामने जो सवाल है कि आईपीसी की धारा 377 संवैधानिक रूप से वैध है या नहीं, इसका दायरा एकांत में वयस्कों के बीच सहमति के संबंधों तक जाता है या नहीं, इस पर भारत सरकार अदालत के विवेक पर छोड़ती है, यानी उसने अपना कोई पक्ष नहीं रखा, कोई राय नहीं रखी। अब आते हैं फैसले के अन्य पहलू पर। वक्त कम है और सारा कुछ यहाँ नहीं रखा जा सकता, लेकिन पढ़िएगा जरूर। मगर जब भी जहां भी नजर पड़ी, जज साहिबान ने शानदार कलम चलाई। समलैंगिक संबंध और यौन संबंध के खिलाफ कई तरह की दलीलें दी गईं। 377 को मान्यता दी गई तो लोग धमकाकर मजबूर करेंगे, एड्स हो जाएगा, परिवार की संस्था तबाह हो जाएगी, मर्द और मर्द, स्त्री या स्त्री शादी करेंगे तो शादी की संस्था बर्बाद हो जाएगी, पैसे देकर युवाओं को होमोसेक्सुअल बनाया जाने लगेगा, ये प्राकृतिक नहीं है, बीमारी है। एक अरसे से भारत का समाज तरह तरह की भ्रांति और डर को ढो रहा था। आज संविधान पीठ ने यही कहा कि इस भय और भ्रांति को बदल दीजिए। 1861 का यह कानून अंग्रेजी हुकूमत के दौर की सामाजिक मान्यताओं को ढोता चला आ रहा था, इसे छोड़ दीजिए। प्राइवेट स्पेस में दो एडल्ट वयस्क जब सेक्स करते हैं तब यह अपराध नहीं होगा। सेम सेक्स यानी मर्द का मर्द के प्रति आकर्षण प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, जन्म से भी है और जन्म के बाद एहसासों की विकास यात्रा से भी है, जिसे बदला जा सकता है, जिसे पाया जा सकता है। बहुत लोग इस नाचते गाते नौजवानों को देखकर हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, स्वाभाविक है, लेकिन जब आप इस फैसले के संदर्भ में सोचेंगे, जाएंगे, तो आप भी इस छोटे से समूह की खुशी में शामिल हो जाएंगे। अब आप उस बेटे की बात सुनिए जो फैसले के बाद कोलकाता में बैठी अपनी माँ से कर रहा था। मम्मी सभी समय एक साइलेंट रिपोर्टर थी। मम्मी को सभी समय मालूम था आई केम आउट 14-15 ईयर्स अगो। वो सभी समय हमारे पास खड़ी थी। तो आज दूसरा फोन कॉल उनके पास गया, जाके बोला मम्मी टीवी खोल के देखे आज क्या हो रहा है। मम्मी बोला हाँ। मम्मी बोले बेटा मैं तेरे साथ हूँ और हर समय रहूँगा, और आज आज सब दोस्तों के साथ जाओ, रिजॉइस करो, दिस इज अ मोमेंट फॉर यू, फॉर अस, ऑल ऑफ अस। इस फैसले ने ऐसी अकेली माओं को और पिताओं को ताकत दी है, ऐसे लोगों को ताकत दी है। यह फैसला, इस फैसले को बहुत दूर तक जाना है, इस समुदाय को आपके बीच आकर अपनी बात रखने का एक बड़ा अवसर देगा यह फैसला, जिसे आप गे, लेस्बियन, होमोसेक्सुअल कहते हैं, अब यह अपराधी नहीं है, उनकी अंतरंगता किसी भी तरह से अपराध नहीं है। द सुप्रीम कोर्ट हैज एक्चुअली बेस्ड इट्स वर्डिक्ट ऑन आर्टिकल्स 14 इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 19 फ्रीडम्स, Article 15 also discrimination, Article 21 privacy. सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है
कि ये जो फैसला है ये बुनियादी हक के आधार पे है, धारा 14 और 15 जो भेदभाव और समानता के ऊपर है, जो धारा 19 है जो फ्रीडम्स के बारे में है, और धारा 21 जिसमें डिग्निटी और प्रिवेसी माना जाता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो फैसला हम दे रहे हैं वो सबके हक के लिए है और LGBTQI कम्युनिटीज को पूरे हक हासिल करने चाहिए और इस फैसले के बारे में पूरा प्रकाशन करना चाहिए, इसकी पूरी पब्लिसिटी कोने कोने में देश में करनी चाहिए। ये जो ऑफेंस को अगर आप उसका 377 पिनल कोड में जो 100 साल से ज्यादा सेक्शन पड़ा हुआ है उसमें यही कहा है कि कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट दी ऑर्डर ऑफ नेचर, मतलब कुदरत के निज़ाम के खिलाफ कार्नल इंटरकोर्स विद एनी मैन वुमन और एनिमल। अब अगर आपने इसको गैर कानूनी नहीं कहा, इसे कहा कि आप कानूनी तौर पर कर सकते हैं, तो जानवरों के साथ अगर इस तरह की हरकत होती है तो वो तो क्रुएल्टी टू एनिमल हो गया। तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट में जो प्रावधान किए गए हैं वो उससे शायद मार खाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और दूसरी बात ये कि हालांकि एक भारत के आज के युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग खुशी मनाएंगे, इसको सेलिब्रेट करेंगे, मगर धार्मिक दृष्टि से मॉरल एथिकल दृष्टि से अगर देखें तो ये चीज़ उचित नहीं लगती, क्योंकि इससे हो सकता है कि हमारी नौजवान पीढ़ी खराब हो। ये सब आर्टिकल 21 के संविधान पीठ ने कहा है कि अंतरंगता और निजता किसी की अपनी पसंद है, समलैंगिकता कोई मानसिक विकार नहीं है। यह लाइन खासकर वो लोग जरूर सुने जो अक्सर धर्म गुरु का चोला पहनकर आ जाते हैं, उन संगठनों के लोग सुने जिनकी भ्रांतियां मूर्खताएं आज अदालत में परास्त हो गई हैं, उन्हें भादों में पाला मार गया है। इस फैसले में जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि यह कानून 150 साल पहले बना, इसके 87 साल बाद भारत आजाद हुआ है और यह आज तक बना रहा। LGBT समुदाय को भी दूसरों की तरह समानता का अधिकार हासिल है। यौन प्राथमिकताओं को 377 के जरिए निशाना बनाया गया था। राज्य का काम किसी नागरिक की निजता में घुसपैठ करना नहीं है। जस्टिस सिंधु मल्होत्रा ने कहा है कि इतिहास को LGBT समुदाय से, उनके परिवार वालों से माफी मांगनी चाहिए। सदियों से हो रहे भेदभाव, यातना से इंसाफ मिलने में जो देरी हुई है उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस समुदाय के सदस्य डर का जीवन जीने के लिए मजबूर किए गए। बहुसंख्यक समाज ने मान्यता देने में नासमझी की कि समलैंगिकता पूरी तरह से प्राकृतिक है और इंसानी यौन प्राथमिकताओं के विशाल दायरे का एक हिस्सा भर है। धारा 377 का गलत इस्तेमाल, अनुच्छेद 14 से मिले समानता के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 15 से मिले बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 से मिले निजता के अधिकार से वंचित कर रहा था। LGBT लोगों को बिना किसी शिकंजे के जीने का अधिकार हासिल होता है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर ने कहा है कि शेक्सपियर के नाटक में किरदार कहता है कि नाम में क्या रखा है, हम गुलाब को किसी और नाम से पुकारें उसकी तासीर, उसकी महक नहीं बदल जाती, वैसी ही रहती है। इस संवाद की मूल भावना यही है कि किसी भी चीज की मौलिक खूबियां मायने रखती हैं, ना कि वो किस नाम से पुकारा जाता है। इसके अर्थ की और गहराई में उतरेंगे तो समझ में आएगा कि पहचान की सुविधा के लिए नाम भले जरूरी हो लेकिन इसके पीछे का जो सार है वही पहचान का मूल है। बिना पहचान के नाम का काम सजावटी रह जाता है, इसलिए किसी के होने के लिए पहचान जरूरी है। पहचान का आधार ही जीवन का तार है, पहचान दिव्यता के समान है। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस खानविलकर अपनी बात जर्मनी के एक महान कवि और चिंतक वोल्फगांग फॉन गोएथे की बात से शुरू करते हैं कि मैं जो हूं सो हूं, इसलिए मुझे वही समझे जो हूं। इसके बाद एक और जर्मन विद्वान है आर्थर शोपेनहार, उनकी एक लाइन है कि नो वन कैन एस्केप फ्रॉम देयर इंडिविजुअलिटी, कोई अपनी शख्सियत से भाग नहीं सकता, पीछा नहीं छुड़ा सकता। इस ऐतिहासिक दिन के मौके पर दिल्ली हाई कोर्ट के तब के चीफ जस्टिस AP शाह और जस्टिस S मुरलीधर भी शामिल हैं, उनको भी याद किया जाना चाहिए क्योंकि इन दोनों ने 2 जुलाई 2009 को यही फैसला दिया था जो आज सुप्रीम कोर्ट ने दिया है।